जैसलमेर से मिल रही है भाजपा के पोस्टर्स में किसान माधुराम की फोटो से जुड़ा मामला। रामदेवरा के किसान माधुराम ने भाजपा पर मानहानि का मामला दर्ज करवाया है। जैसलमेर के रामदेवरा थाने में यह मामला दर्ज करवाया गया। किसान माधुराम ने मामला दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की है। माधुराम ने कहा कि इस झूठ से मेरी प्रतिष्ठा पर ठेस लगी है, आम जनता और समाज के बीच मेरी मानहानि हुई है, मेरी बिना इजाजत के फोटो लगा दिया गया। जैसलमेर के रामदेवरा थाने में मामला दर्ज कराया गया है। आम जनता और समाज के बीच मेरी मानहानि हुई है, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीनें नीलाम नहीं सहेगा राजस्थान, और इस पर जो फोटो लगाई गई वो है किसान माधुराम की, भारतीय जनता पार्टी का ये पोस्टर है। ऐसे में किसान माधुराम ने कहा कि मेरी मानहानि हुई है, मेरी बिना परमिशन के इस फोटो को लगा दिया गया है, इस झूठ से मेरी प्रतिष्ठा पर ठेस लगी है। हालांकि कटाक्ष कांग्रेस पर किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन एक किसान की फोटो है और वो फोटो लगाई गई किसान माधुराम की। जैसलमेर के रामदेवरा थाने में अब उन्होंने मामला दर्ज करवाया है। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का एक्शन अब पुलिस प्रशासन द्वारा लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का ये पोस्टर जिसमें कटाक्ष कांग्रेस सरकार पर, कांग्रेस की किसानों के ऊपर अत्याचार की बात लिखी गई कि किसानों की जमीनें नीलाम तक हो गई है, और फोटो लगाया गया किसान का जिसमें माधुराम की फोटो है। ऐसे में किसान माधुराम ने कहा कि मेरी बिना परमिशन के फोटो लगाया गया है, इसे बर्दाश्त मैं नहीं करूंगा और मेरी मानहानि हुई है, मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, ये जानकारी लेंगे अपने सहयोगी सूर्यवीर से जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्यवीर, ये वाकई में बहुत बड़ा मसला हो गया है क्योंकि एक किसान की फोटो लगाई गई, कटाक्ष कांग्रेस पर किया गया भारतीय जनता पार्टी के इस पोस्टर में। अब माधुराम कह रहे हैं कि मेरी प्रतिष्ठा को ठेस लगी है, मुझसे परमिशन नहीं ली गई, मामला दर्ज करवा दिया गया है। अब आगे क्या नजर आ रहा है आपको, पुलिस प्रशासन किस तरीके का एक्शन लेगी, क्या माधुराम से आपकी बात हो पाई? जी बिल्कुल, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले जो ये भाजपा का जो पोस्टर विवाद है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कुछ दिन पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने माधुराम से बातचीत करी थी और उनको सख्त कहा था कि आपको चिंता करने की बात नहीं है, और फिर से विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को नहीं सहेगा अभियान के तहत ये पोस्टर का विवाद हुआ था। और किसान का ये कहना है उस पर ना तो कोई कर्जा है और ना ही उसकी जमीन नीलाम हुई है, और 200 बीघा जमीन का वो मालिक भी है। ऐसे में इस तरीके से भाजपा की ओर से जो पोस्टर पर है उसका फोटो लगवाया गया है, तो कहीं ना कहीं उसकी मानहानि हुई है। और जहां भी जाता है तो लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं, और इसको लेकर उसने रामदेवरा थाना में है वो मामला दर्ज कराया है, और पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच कर। सूर्यवीर, इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन आया है क्या? उनका यही कहना है कि माधुराम की फोटो ही है, या फिर वो इस बात से इनकार कर रहे हैं? सच्चाई क्या है इसमें, क्या वाकई में माधुराम की फोटो है, क्या सेम है, क्या ये बात प्रूफ हो चुकी है? जी बिल्कुल, किसान माधुराम की फोटो है, और किसान माधुराम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी है, उन्होंने मुलाकात की थी, और उसके बाद जिस तरीके से उसने भाजपा जिलाध्यक्ष या भाजपा कार्यकर्ता अन्य लोगों से भी बात करने की कोशिश की, तो उनका भाजपा जिलाध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश स्तर का मामला है और प्रदेश ने आला कमान ने बिल्कुल इस मुद्दे को लेकर बोलने के लिए है वो मना कर रहे हैं, और मीडिया से कहीं ना कहीं बचने का भी वो प्रयास कर रहे हैं, और उनका कहना है कि प्रदेश जो निर्णय लेगा या उसको होगा तो उसके बाद ही है। लेकिन किसान माधुराम का कहना है कि भाजपा जिलाध्यक्ष, भाजपा ब्लॉक अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ है, उसने कार्रवाई की है, वो मांग की है, और धारा 500 के तहत है, पुलिस ने मामला दर्ज करके है वो जांच कर दी है। और फिलहाल जिस तरीके से सोशल मीडिया पर या अन्य अन्य जगह पर लगातार जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हुई है, और लगातार इस तरह से कटाक्ष की जा रही है कि नहीं सहेगा राजस्थान को लेकर है, भाजपा लगातार मुद्दा बना रही थी, लेकिन एक किसान को लेकर जिस तरीके से ये मुद्दा अलग ही दिशा में है वो चला गया है, और लगातार कह रहे हैं कि 19,000 से अधिक किसानों की जमीन नीलाम हुई थी ऐसा पोस्टर लगाया गया था, और कहीं ना कहीं उस किसान का जो फोटो लगाया गया था वो जैसलमेर के रामदेरा के रखियों के ढाणी का निवासी है, और उसको कहना है कि उसका विश्वास है वो गाँव में खत्म हो गया है, और कहीं ना कहीं उनको शर्मिंदा महसूस होने पड़ रहा है कि जहीं भी जाता है तो उसको नीचे नजर रख करके घूमना पड़ रहा है, उसका किसान का कहना है। और कहीं ना कहीं अब पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है कि आखिर
क्या ऐसा मामला है और कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के आमने सामने है फिलहाल है वो दिख रही है। और विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके से पोस्टर विवाद कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा सा बन गया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये मुद्दा वाकई में बड़ा बन गया है। सुरवीर शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए।